तो आपको बता दें, इसराइल ने जिस तरह से हिजबुल्ला पर अटैक किया है, जिस तरह ये पहले बेरूत और फिर दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ को टारगेट कर अटैक किया गया है, उससे अब ये साफ हो चुका है कि इसराइल ने उसके खात्मे की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कर ली है, तय कर लिया है कि उसके अंत का वक्त क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसराइल की तरफ से वो जो प्लान है, जो तैयार किया गया है हिजबुल्ला के अंत का, वो आखिर है क्या। लेबनान में पिछले चार दिन में जो हुआ उससे वो दहशत में है। इसराइल अपने दुश्मनों को कुछ ऐसे सबक सिखाने के तरीके से पूरी दुनिया हैरान है, तो वहीं हिजबुल्ला परेशान है। इसराइल ने पहले दो दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बम बनाया, पूरे लेबनान को दहलाया, हर तरफ तबाही नजर आई, घर जले, कारें जली, इंसानों के चिथड़े उड़े, सड़कों पर मौत दौड़ती नजर आई, तो पूरे लेबनान में मातम पसर गया। हिजबुल्ला चीफ ने इसराइल को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बदले की बात कही, तो नेतन्याहू की सेना काल बनकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर टूट पड़ी, आतंक के गढ़ पर एयर स्ट्राइक की और करीब 100 से ज्यादा ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। इसराइल ने दूसरा हवाई हमला बेरूत के दाहियेव इलाके में किया, मिसाइल और बम गिराकर तबाही मचाई। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील समेत कई आतंकियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने हिजबुल्ला के गढ़ में 70 से ज्यादा हमले किए, जिसमें हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। हिजबुल्ला इन रॉकेट लॉन्चर के जरिए इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। इस हमले में हिजबुल्ला के 1000 रॉकेट बैरल को तबाह कर दिया गया, कई इमारतों और हथियार गोदामों को भी तबाह करने का दावा है। इन हमलों से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला बौखला गया और इसराइल को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। اخوون يقولون لا شك ان حزب الله يحقق انجازات استراتيجيه في الشمال. ان هم عم يحكوا عن انجازات استراتيجيه، هم عم يحكوا عن هزيمه تاريخيه. هم عم بيقولوا انهم خسروا الشمال. هم عم يحكوا عن حزام امني داخل الكيان، داخل فلسطين المحتله في الحدود الشماليه لاول مره منذ 75 عاما. اسرائيلي رخصه منتري نے بھی حزب اللہ پر پلٹوار کیا اور کہا इसराइल के दुश्मनों को हम हिजबुल्ला के खिलाफ तब तक हमले की कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक हम अपना मिशन हासिल नहीं कर लेते। हमारे दुश्मनों के पास शरण की कोई जगह नहीं बची है, बेरूत में दरिया में भी जगह नहीं है। इसराइल के सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद अब लेबनान से लेकर ईरान खौफ में है और अब इसराइल को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन इसराइल भी कम कहां है, वो उनसे एक कदम आगे की सोच कर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीते चार दिनों से लगातार जो इसराइल की ओर से हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले गैजेट्स के जरिए हमले किए गए, पेजर पे हमले किए गए और अब सीधे हवाई हमले किए जा रहे हैं। यानी कि जो फुल प्रूफ प्लान है इसराइल की ओर से वो यहाँ पे तैयार कर लिया गया। और देखिए अब जो इसका तरीका है बता देते हैं। दरअसल आपको 24 घंटे में लेबनन पे दूसरा हमला यहाँ पर किया गया है, यानी कि जो यहाँ पे लेबनन के जो तमाम हिस्से थे बॉर्डर वाले वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। बेरूत के दहिये इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई है। ये वो इलाका है जहाँ पे सुरंगों के होने की खबर पहले मिली हुई थी। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट से इसराइल का यहां पे अटैक लगातार किया जा रहा है, यानी कि जो हवाई हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं फाइटर जेट के जरिए। हिजबुल्ला का कमांडर इब्राहिम अकील ढेर कर दिया गया है। वो इब्राहिम अकील जो कई मामलों में वांछित चल रहा था, इस पे कई बड़े आरोप लगे थे, उसको मार गिराया गया है। इमारत में छिपे थे हिजबुल्ला के तमाम आतंकी और इस इमारत को भी यहां पर ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए आप जिस तरीके से यहां पर हमले हो रहे हैं, इस हमले में चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें या पेजर के जरिए हमले किए
किए जाए। सब में जो यहाँ पे हिजबुल्ला के कमांडर हो, चाहे वो उसके आतंकी हो, सब यहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं। पहले इनके जो गैजेट्स थे उस पर हमला किया गया, अब सीधे स्ट्राइक की जा रही है, और स्ट्राइक के जरिए जहाँ जहाँ भी हिजबुल्ला के आतंकियों के छिपे होने की खबर थी वहाँ वहाँ ब्लास्ट के जरिए यहाँ पर जो है हमले किए जा रहे हैं। इस हमले में 12 लोगों की मौत चुकी हो गई थी, जो इमारत पर अटैक किया गया था इसमें 60 लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो 60 लोग घायल हुए फिलहाल उनको आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया है, और अब यहाँ पे जो है IDF का अटैक जो है और आतंकी जो टारगेट है लगातार जारी है। देखना ये होगा कि अगला अटैक कब और कैसे होता है। और इधर आपको ये बता दें कि लेबनान में जो धमाके हुए हैं, जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, वो हमला चीनी सैनिकों के कैंप के पास भी किए गए हैं, और ये खुद दावा चीन की तरफ से किया गया है। और चीन ने ये कहा है कि जो हमले हुए हैं उसमें चीनी सैनिकों के कैंपस के पास भी हमला हुआ है। हालांकि चीन की तरफ से भी बताया गया है कि इस हमले में चीनी सैनिकों के घायल होने की जानकारी नहीं है, यानी कि जब ये धमाके हो रहे थे तब चीनी सैनिक जो हैं वो बंकर में जाके छिप गए, और यही वजह है कि किसी भी तरीके से कोई हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। तो लेबनान में चीनी सेना के कैंप के पास धमाके हुए हैं। चीन की मीडिया ने यह दावा किया है कि इजराइल की बमबारी में लेबनान में तैनात चीन की शांति सेना के कैंप के पास धमाका हुआ। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में चीन शामिल है, और चीन ने दावा यह किया है कि धमाके के बाद चीन के सैनिक फौरन बंकर में जाकर छिप गए और किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये चीन की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए लेबनान में जो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, इससे लेबनान पूरी तरीके से दहल उठा है, लेकिन हिजबुल्ला बौखलाया हुआ है, और हिजबुल्ला बार बार ये कह रहा है कि इजराइल की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है इसका बदला हम लेकर रहे। और लेबनान में पेजो धमाकों को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमलों की जो प्लानिंग थी वो काफी पहले से चल रही थी। पेजो बनाने में इजराइल का हाथ है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। 15 सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग में शेल कंपनियां भी शामिल की गई थी। आपको ये भी बता दें कि खुफिया अधिकारियों ने कंपनी बनाई थी और उसके बाद इसका निर्माण किया गया था, इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। इजराइल के इंटेलिजेंस अफसर भी इसमें शामिल रहे, यानी पूरी प्लानिंग थी। कर्मचारियों को प्लानिंग की जानकारी हालांकि नहीं थी, और लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और इस तरीके से लंबे समय से चल रही इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। लेबनान में एक के बाद एक जो सीरियल धमाके किए गए, जो सीरियल ब्लास्ट किए गए पेजर में, वॉकी टॉकी में, बैटरी में, वो पूरी प्लानिंग के साथ इन धमाकों को अंजाम दिया गया। अब आप सोचिए कि जो पेजर में धमाके हो रहे थे, दरअसल इजराइल ही उन पेजर को मैन्युफैक्चर कर रहा था। बाकायदा उनके लिए शेल कंपनियां बनाई गई थी, अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। हालांकि जो कर्मचारी थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितने बड़े मिशन के लिए इजराइल इन पेजर को बना रहा है, इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के लेबनान में जो एक के बाद एक धमाके हुए हैं उसमें इजराइल ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ इन धमाकों को एग्जीक्यूट किया। तो प्लान पुराना था लेकिन अंजाम नया दिया गया। लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और उसके बाद वक्त आने पर इसे अंजाम दे दिया गया।